मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सरण्ये तंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। वेलकम टू शुभांगी आर्ट वर्ल्ड। तो आज हम लोग नवरात्रि स्पेशल में माता रानी के तीसरे रूप को बनाने वाले हैं, जो कि है चंद्रघंटा की। यहाँ पर मैंने ब्लैक जेल पेंट का यूज़ किया है पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए। आप इसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करें, उसके बाद फिर उसके ऊपर पेंट चलाएं, तो फिर वो सही से बनेगा। आप चाहे तो पेंट भी चला सकते हैं, पर पेंसिल से यूज़ करने के बाद वो ज़्यादा परफेक्ट आएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग पूरे बॉडी को अच्छे से ब्लैक पेंट से ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे माता रानी के शेर को बनाएंगे। चंद्रघंटा माता, सॉरी, वो बाघ की सवारी करती है, तो मैं यहाँ पे बाघ को ड्रॉ कर लूँगी ब्लैक पेन के हेल्प से। और ये पूरा ड्रॉ हो जाने के बाद अब मैं प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐसे राउंड, हाफ राउंड बनाऊँगी। वो मंडला के लिए मैंने छोड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आउटर टेक्सचर के लिए मंडला का यूज़ किया है। मंडला पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं अब कि हमारा ये मंडला जो हमने बनाया है वो कंप्लीट हो चुका है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें कलर करेंगे। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे फैबर क्रिस्टल का स्केच कलर यूज़ किया। सो अब हम अपने मंडला जो हमने होलो बनाया है उसमें मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने फैबर क्रिस्टल का कलर यूज़ किया है, स्केच कलर, जिससे मैं यहाँ पे मल्टी कलर मंडला फॉर्म करूँगी। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मल्टी कलर का मंडला तैयार होने वाला है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है।
सो अब हम लोग यहाँ पे माता रानी के फेस में और ड्रेस में, सिर में, सभी जगह कलर करेंगे। और इसके लिए मैंने स्ट्रेटनर का पेंसिल कलर यूज़ किया है। तो फेस का पोर्शन ख़त्म होने के बाद अब हम लोग सबसे पहले माता रानी के मुकुट को बनाएंगे। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो मुकुट बहुत सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं मुकुट कितनी सुंदर लग रही है। और अब हम लोग माता रानी के कपड़े में यानी कि साड़ी में वर्क करें। साड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फैबर क्रिस्टल का स्केच कलर यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर स्किन कलर से यहाँ पे मैं बॉडी के पार्ट्स को बना रही हूँ। ग्रीन और रेड का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन हमने डाला है साड़ी में। और अब हम माता रानी के आभूषण और शस्त्र में कलर करेंगे। तो क्लॉथ का सेक्शन ख़त्म होने के बाद अब हम यहाँ पे चादर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चादर बना लिया है हमने। और अब हम माता रानी की सवारी बाघ को बनाएंगे। और बाघ को बनाने के लिए हमने फैब्रिक क्रिस्टल का ब्लैक कलर और साथ में येलो कलर का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बाग कंप्लीट हो चुका है और ये पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऊपर चंद्रघंटा माता का नाम लिखेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक छोटा सा कोटेशन लिखेंगे। और आज का हमारा कोटेशन होगा, सो आवर कोटेशन इज चंद्र घंटा इन विच चंद्र मीन्स मून एंड घंटा मीन्स बेल। द मून इज कनेक्टेड विथ माइंड
and the bill is instrument connected with alertness. Praying this form of mother brings us alertness. So हमारा कोटेशन ख़त्म हो चुका है और हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है. देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.